मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई हूँ पापा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी दिनों के बाद हो रही है और अभी टाइम सुबह के 8 बज चुके हैं, शायद 8:15 हो गए हैं। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरे बीच में ब्लॉग नहीं आ रहे थे। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पहाड़ों में आजकल 1-2 महीने तो इतना खतरनाक वाला काम होता है जो कि खेत का काम होता है। और लवाई मंडाई से लेके जो कोदे का न्यार होता है उसको लगाने तक, मतलब जब तक वो घास घूस सारा लग नहीं जाता है तब तक पहाड़ों में काम ही काम रहता है। तो आजकल पहाड़ों में ऐसे ही काम हो रहा है और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ऊपर साई से। तो मैंने बोला आज से थोड़ा ब्लॉग बना ही देती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। बाकी अभी मैं ऊपर साई भी पहुँच गई हूँ और यहाँ पर मेरी सोनी को बांध रखा है और यहाँ पर हो गए बैल। तो आपको ना इधर के साइड ये पेड़ दिख रहे होंगे ना, तो कल परसों इन सारे पेड़ों पे ना घास लगेगा तो उसी घास को काटना है आजकल जो कोदे का न्यार होता है, झुमोरे का न्यार होता है। और ऊपर की साइड तो वही होता है, मतलब नाच तो कुछ होगा नहीं, बस खाती है, तो आजकल उसी की कटाई चल रही है। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर रही हूँ। बाकी अभी मैं तो ऊपर थोड़ी देर पहले ही आ गई थी तो इनको बाहर पर बांध दिया है और मम्मी अभी आएगी, थोड़ी देर में आएगी क्योंकि मम्मी नाश्ता वगैरह बना रही थी। और सलोनी काम जा रखे हैं रोड के ऊपर वाले खेत में क्योंकि वहाँ भी न्यार काटना है, तो वो दोनों नीचे जा रखे और मैं और मम्मी, अभी मम्मी तो नहीं आई लेकिन मैं ही आ रखी, तो मम्मी अभी थोड़ी देर में आएगी। बाकी आजकल काफ़ी ज़्यादा कड़क धूप लगी हुई है और मौसम एकदम पूरा साफ़ हो रखा है, चारों तरफ एक भी बादल नहीं दिख रहे हैं, तो दिन में आजकल ऐसी तेज़ धूप लग रही है। तो अभी तो मैंने इनको बाहर पर बांध दिया है तो अब मैं चलती हूँ नीचे। और सोनू, सोनी, पानी लेके जाना है क्योंकि नीचे खेत की साइड तो पानी नहीं है, गधेरे पे आता है लेकिन वो साफ पानी नहीं है, तो यही पाइप से लेके जाना पड़ेगा मेरे को पानी। बाकी अभी हमारी साइड में ना काफ़ी अच्छी छाव है क्योंकि अभी धूप पीछे की साइड है, तो आजकल दिन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है तो इनके लिए थोड़ा सही हो जाएगा क्योंकि धूप उधर की साइड थोड़ा देर में लगती है। तभी मैं थोड़ा यहाँ पर पानी भर लेती हूँ और गधेरा का पानी देखो बहुत कम हो गया है, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया क्योंकि बरसात के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा था लेकिन आजकल बहुत कम हो गया है। तो अभी मैंने पानी भी भर दिया है और ये छोटी सी बॉटल लेके आ रखी है आज मैंने, तो अभी चलती हूँ खेत की तरफ। अभी मैं खेत में पहुंच चुकी हूं और खेत का हाल देखो कैसा कर रखा है। यहाँ बीच में कोदा था लेकिन सुवारों ने कोदे को कुछ इधर कर रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा इसको काटना। बाकी अभी थोड़ा छांव है तो फटाफट पहले काम करती हूं और ऐसे काटने में तो, मतलब इस वाले घास को काटने में तो काफ़ी ज़्यादा आफत आएगी और थोड़ी देर में तो मम्मी भी आ जाएगी। तो फिलहाल अभी पहले अपना काम करती हूँ और फिर मिलता आपको थोड़ी देर में, तब तक देखो बाय। तो दोस्तों अभी इस खेत का न्यार पूरा काट दिया है मैंने और इसको सुखाने के लिए ऐसे ढाल दिया है, बाकी जो ऊपर साइड वाला घास है उसको हम बाद में काटेंगे। और अभी तो खैर ये न्यार ही न्यार काटा हुआ है क्योंकि बाद में ये घास ना थोड़ा देने के काम भी आ जाएगा और बाकी सुखाने के लिए। और अगर ऐसी धूप लगी तो 2 दिन बाद ये न्यार अच्छी तरह से सूख जाएगा और फिर लेके जाएंगे इसको ऊपर साई। तो यहाँ पर मम्मी भी पहुँच चुकी है और ये घास थोड़ा ऊपर के लिए है जो कि ऊपर साई लेके जाना है। और यहाँ नीचे 2 खेत है, एक थोड़ा बड़ा खेत है और एक छोटा सा खेत है, तो उसका न्यार भी काटना है अभी हमने। तो
अभी दिन के 1 बज चुके हैं और अभी मैं ऊपर साई पे आ गई हूँ इनको पानी पिलाने के लिए। बाकी बैलों को मैंने थोड़ा नहलाया लेकिन वो नहाने देते नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक एक बाल्टी उन पर पानी डाला। बाकी उनको तो अंदर बांध दिया है और सुरभि को मैंने वहाँ पर ले जा रखा था क्योंकि वहाँ पर मैंने ना उसको नहलाया है, और देख रही होगी कि सभी को अंदर बांध दिया, मेरे को बाहर छोड़ दिया। तो थोड़ा अभी उसको थोड़ा नहलाया है तो थोड़ा पानी थोड़ा सूख जाएगा, तो उसके बाद उसको भी अंदर बांधती हूँ। बाकी काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी और बाहर पे उन बैलों को ना मच्छर, वो क्या बोलते हैं, मक्खियों ने परेशान कर दिया क्योंकि आज का दिन में ना काफ़ी तेज़ धूप हो रही है और इस वजह से उनको मक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सुबह में तो थोड़ा लेट ही आती है धूप क्योंकि पीछे की साइड से आती है और यहाँ पर ना काफ़ी अच्छी छाँव रहती है, तो इसलिए सुबह के टाइम पे तो उतनी धूप नहीं होती है, लेकिन 11 बजने के बाद काफ़ी तेज़ धूप लग जाती है। और उसके बाद 2-2.5 बजे के बाद तो खैर सामने से पेड़ लग जाते हैं यहाँ पे क्योंकि आगे से काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं, तो शाम के मतलब 2-2.5 बजे तक काफ़ी अच्छी धूप रहती है, लेकिन थोड़ा हवा भी चलती है तो सही हो जाता है। लेकिन इस टाइम काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है और उनको ना मक्खियों ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, तो थोड़ा बहुत उनको नहला दिया है और शानू को भी नहला दिया है। अच्छा नू, तो अब इसको भी अंदर लेके जाती हूँ, ठीक है छोनू, और फिर चलती हूँ घर की ओर। क्या हो गया, बोल रही होगी मेरे को अंदर नहीं ले जा रही। मैं अपनी साई से आ गई हूँ और ये भी यहाँ पे मैंने ना थोड़ा बॉडी और का घास दिया क्योंकि आज बॉडी घर पे थी, तो सुबह को भी बोला था कामों के पास बोला था, तो कामों आज नीचे वाले खेत गई थी तो मैंने ही दिया इनका घास भी। तो अब बॉडी सीधे शाम के टाइम पे आएगी और धूप देखो इतनी तेज़ धूप लगी है ना, क्या ही बोलना। तो अभी फ़िलहाल नीचे खेत की ओर चलती हूँ और मैं तो आपको नीचे खेत पे पहुँच के। तो आज हमने एक ये वाला खेत और एक इसके ऊपर वाला और आधा यहाँ नीचे वाला खेत जिसका न्यार हमने काट दिया है, बाकी काफ़ी तेज़ धूप लगी है तो थोड़ा यहाँ पे बचा हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा इसको काटते हैं और उसके बाद चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और अभी सलोनी और कामो जा रखे हैं नीचे, जहाँ वो सुबह जा रखे थे वहीं जा रखे क्योंकि वो थोड़ा सुबह को थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो इसलिए शाम के टाइम पे 5-5:30 बजे वो खेत गए। बाकी नानी अभी शाम के टाइम पे ऊपर साई जा रखी है और हम तो आज काफ़ी ज़्यादा लेट आए तो इसलिए अभी शाम के टाइम पे घर ही पे थे। मम्मी तो साई चले गई है, बाकी अभी मैं थोड़ा आग वगैरह जलाती हूँ और देखती हूँ कि आज सब्जी कौन सी रखनी है, तो फिलहाल अभी चलती हूँ किचन की तरफ। तो अभी मम्मी ने यहाँ पे ना कल परसों से ये दाल ला रखी थी सोयाबीन, तो इसको सुखाने के लिए ढाल रखा था, थोड़ा बहुत तो सूख चुकी है, और इसमें है यहाँ पर छमले जो कि परसों कल पापा ने निकाले थे, और थोड़ा ये सूख जाएंगे तो उसके बाद इसके छिलका निकालेंगे और तब जो दाल होगी तो उसको भी थोड़ा सुखाने के लिए रखेंगे। तो फिलहाल अभी मैं चलती हूँ किचन की तरफ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आग तो थोड़ी देर में जलाऊंगी क्योंकि उससे पहले मेरे को ना मक्खन निकालना है। दिन में सलोनी ने छाछ बनाई थी और मक्खन निकालना वैसे ही रखा था, तो अभी मेरे को पहले इसको निकालना है, थोड़ा पहले इसको निकाल देती हूँ और फिर जलाती हूँ आग क्योंकि बाहर तो अंधेरा हो ही गया है, और उसके बाद सब्जी देखती हूँ कि आज कौन सी सब्जी रखनी है। तो फटाफट पहले ये काम करती हूँ और फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में।